तो मंजू जी चल रही है आगे, आप देख सकते हो आप मस्त तरीके से देवी चढ़ेगी बस पर, पहले देख सकते हो आप। और अब ये देख सकते हो भाई स्कूल के बच्चे बोले हेलो करने के लिए। तो मंकी मन मिल चुका है यहाँ पे देख सकते हो मंकी। सामने पे मैं आपको दिखाती हूँ बड़ी मछली, तो आप फोन देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। जो आप पीछे गेट देखते हो इसका पता तो मुझे नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट से एयरपोर्ट से यहाँ पे शायद हमारा फोन यहाँ पे जमा हो जाए, ये मेरे को पता नहीं है, अभी आगे जाके बात करेंगे। और आप देख सकते हो पूरे एयरपोर्ट एरिया। तो फाइनली भाई हमने एंट्री करवा दी है और आप देख सकते हो। तो फाइनली भाई आपने देखा यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर पे आए तो बाहर पे मना कर रहे वीडियो बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं, आगे जाके बताते हैं आपको। जेब से भाई बोल रहा प्रसाद रखोगे तो तुमको थप्पड़ थप्पड़ लबेड़ के भाग जाएगा मंकी, पतन चलेगा किसने मार दिया। तो भाई चलते हैं आप जो चर्च, मतलब हिमाचल के अंदर जो भी चर्च बनाता हूँ, चर्च बनाओ सबसे पहले यही चर्च बनाता। इसी को दिखाने के लिए मैं उत्तराखंड से हिमाचल के अंदर आ चुका हूँ आपको दिखाने के लिए इस तरीके से। बाकी हम रास्ते में बैठे हुए, मेरा मोमो आ चुका है, मेरा नाम मोमो। फाइनली गाइस आप देख सकते हो हमने 1 किलोमीटर चढ़ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, रेस्ट करने का आप दिखा सकते हो, पीछे रेस्ट करने का बचा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट करने का बनाया हुआ है, आप यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, आप दूर से दिखा सकते हो इस पूरे हेड को। तो पूरा हट आपने देख लिया है रेस्ट करने का, और आपको दिखाता हूँ खुला बैकग्राउंड जो यहाँ से दिखता है, पूरा खुला बैकग्राउंड ये आप देख सकते हो, पूरा खुला बैकग्राउंड यहाँ से। तो आपको सामने जो दिख रहा है वो यहाँ से भी रमाड़ा होटल दिख रहा है, देख सकते हो आप मंकी पॉइंट का, हम 1 किलोमीटर टॉप पे चढ़ चुके हैं। यहाँ सामने रमाड़ा होटल कुछ इस प्रकार से दिखता है, और पीछे का बैकग्राउंड आपको देख सकते हो आप, पीछे का जो पहाड़ी है वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो आपको दिख रही है बहुत प्यारे दिख रही है छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ये नीचे जो दिख रहा है इसके नीचे जस्ट हमारा रिजॉर्ट है, इसके नीचे से ये इसके नीचे जस्ट हमारा रिजॉर्ट है। और बाकी आप सामने का व्यू देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है सामने का व्यू। और मैं और बेबी आ चुके हैं 1 किलोमीटर चल चुके हैं हम, थोड़ा हमने रेस्ट किया यहाँ पे, जो रेस्ट करने का बनाया आप ये हट देख सकते हो। बाकी आप बेबी को यहाँ पे देख सकते हो मस्त तरीके से, और यहाँ का आप मस्त व्यू देख सकते हो खुला, क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा व्यू अच्छा लगा, यहाँ पे खुली खुला थोड़ा अच्छा लगा हमको, यहाँ से व्यू थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। बाकी चलते हैं हम थोड़ा आगे और दिखाते फिर आपको मंकी पॉइंट, और वहाँ पर दिखाते हैं आपको जो मैंने आपको कहा था ना कि ऊपर एयरफोर्स एरिया है, वो आपको सारा कुछ दिखाते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं सीधे ऊपर रोड पर और मिलते हैं आपको आगे। तो आप देख सकते हैं मेन हाईवे, ये हाईवे ये मंकी पॉइंट के सामने रोड जा रहा है, इधर से हम आए हैं, और इसके नीचे जस्ट ये हड बना हुआ है, ये देख सकते हो आप जस्ट ये हड बना हुआ है। तो ये हमने सामने जो रोड जा रहा है वो मंकी पॉइंट को जा रहा है, इसके टाइम पे बैठने के लिए बना हुआ है। वो तो ठीक है भाई, बाकी आप सामने का व्यू देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली दोस्तों आप पहुंच देख सकते हो, मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, जो आप शायद हमारा फोन यहाँ पे जमा हो जाए, ये मेरे को पता नहीं है, अभी आगे जाके बात करेंगे। और आप देख सकते हो पूरा एयरपोर्ट एरिया, और यहाँ पे सामने से जो देख आपको टॉप दिख रहा होगा आगे दिख तो नहीं रहा है, यहाँ से मंकी पॉइंट पड़ता है, बाकी आप सारा ये देख सकते हो नीचे, बाकी आपने सारा देख लिया नीचे एयरफोर्स एरिया है, और पूरा ये ऊपर से एयरफोर्स एरिया है, पूरे मंकी घूम रहे हैं यहाँ पे। और बाकी ये गेट देख सकते हो आप यहाँ के, और चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या सिस्टम बनता है, दिखाते हैं आपको भी। दोस्तों हस्बैंड जी यहाँ पे वीडियो बना रहे थे तो मना कर दिया, वहाँ पे अलाउड नहीं था, और फिर हस्बैंड जी फिर बाहर आ गए तो वहाँ पर भी मना कर दिया, तो हमने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ वहाँ से, बाकी साइड आप देख सकते हो पीछे गेट देख सकते हो, गेट से आ चुका हूँ मैं, ठीक है, दिखना नहीं चाहिए वो ब्लर। बाकी हम आ चुके हैं यहाँ पे सामने और अंदर से घूम के, बाकी आगे बनाते हैं ब्लॉग, आगे यहाँ से ब्लॉग बनाने के लिए वो नहीं है, हम थोड़ा अपन में अलाउड नहीं है, बाकी आगे जाके ब्लॉग बनाते हैं आपका। फाइनल दोस्तों मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा 100 मीटर मतलब 100 मीटर के उसमें तुम वीडियो बना सकते हो, तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ बाहर। और भाई अंदर अगर फोन लेके जाने देते ना हो तो बस बच्ची रिकॉर्डिंग होती है, देखो सामने देख रहा है मिट्टी लगी हुई है, ये मंकी ने मेरे जेब में प्रसाद रखा हुआ था, वो मंकी ने सारा प्रसाद ऐसा करके वो सारा प्रसाद निकाल दिया है, तो तभी अंदर फोन लेके जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जेब से कुछ भी चीज निकाल सकते भाई। और हमारा सारा कुछ वहाँ पे जमा हो गया था, फोन चार्जर जो मेरे फोन का लाया हुआ था, पर्स पूर्स सब कुछ जमा हो चुका था, एप्पल की वॉच वगैरह कुछ भी नहीं, बाकी मतलब जो भी है सिस्टम आप अंदर कुछ भी लेके जा सकते हो। बाकी अंदर जाओगे आप तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दिखेगी आपको, जैसे की इंडिया की मिसाइल देखने को मिलेगी, पवन चक्की देखने को मिलेगी,
तो भाई देखा आपने, मतलब अंदर जो सीन था वो बहुत बढ़िया सीन था। और बाकी हम आ चुके हैं, बेबी आ चुकी है, सारा घुमा दे बेबी को मैंने। मैं अंदर आ, बंदर साले बंदर जेब से भाई बोलता रहा प्रसाद रखा हुआ था जेब में, उसने वो भी निकाल दिया। मतलब जो इंसान होता ना, इंसान बंदा वैसी वैसी उसने जेब में हाथ घुसा के सारा प्रसाद निकाल दिया, ठीक है। और बाकी इसीलिए वो बोलते हैं कि फोन फोन सबको जमा कराने के लिए, क्योंकि वो सारे मंकी जो भी आता ना मंकी मुंकी वहाँ पे, वो सबको जेब से निकाल देते भाई। और देखते जेब इसकी ऊंची है तो जानबूझ के हाथ घुसाएगा जेब में, और कुछ कर भी नहीं सकते हो तुम वहाँ पे। अगर तुम कुछ करोगे तो तुमको थप्पड़ थप्पड़ लबेड़ के भाग जाएगा मंकी, पता नहीं चलेगा किसने मार दिया। तो भाई चलते हैं आप वापस होटल की तरफ, और देख सकते हो आप वही रास्ता वही सब कुछ पैदल जा रहे हैं। बाकी बेबी चल जाए आगे, और मिलते हैं आप कसौली रोड माल रोड में, कसौली चलते हैं, कसौली मिलते हैं आपको। तो चलते हैं भाई, और कसौली जो वहाँ पे चर्च है उसके पास में वीडियो ऑन करूँगा मैं, और मिलते हैं आपको वहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए चलते हैं भाई सीधे सामने। आप देख सकते हो बुरी हालत हो गई, चलते चलते पैदल। और मतलब टॉप पे मंदिर टॉप पे था, तो हमको ज़्यादा 20-25 मिनट ऊपर चढ़ने में लगे हमको मंदिर के ऊपर। और प्लस दूसरी बात ये कि वहाँ पे भाई कुछ अलाउड नहीं है, और मंदिर के जो रास्ता जाते टाइम पे आपको एक से एक चीज़ें, मतलब जो टाइल टाइप का रहता ना लगाया हुआ उस पर लिखा हुआ, एक से एक चीज़ें रहेगी जो तुम्हारे नॉलेज की चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। और बाकी दिखाते आपको, लेकिन फ़ोन अंदर जाने अलाउड है नहीं, इसलिए भाई चलते सीधे माल रोड और कसौली चर्च, मिलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नीचे, मतलब हम गेट से बाहर आ चुके हैं, वहाँ पे फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा कर लेते हैं काउंटर पे। बाकी वहाँ पे टिकट वगैरह भी कटा दिया था जाते टाइम पे, और कुछ भी अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इतने ज़्यादा बंदर है ना वहाँ पे। और दोस्तों मेन चीज़ ना, वहाँ पे ऊपर चढ़ते टाइम पे बहुत ही अच्छा व्यू, वहाँ पे ना क्या कहते वहाँ पे जंगली मतलब क्या बोलते भेड़ होते वो भी होते हैं वहाँ पे शायद, वहाँ पे पोस्टर वगैरह लगे हैं जानवरों के। और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे टाइलों में जो पत्थर है ना, पत्थर के किनारे पे जय श्री राम वगैरह भगवान जी के बारे में काफ़ी नॉलेज वाली बात बता रखा है वहाँ पे। तो फाइनली भाई मैं टॉप की जगह पे आ चुका हूँ, और आपको एक बार लास्ट बार दिखाना चाहता हूँ कि टॉप से ऐसा कैसा दिखता है। और बाकी हमारे रिजॉर्ट भी आप देख सकते हो सामने नीचे की साइड, ये देख सकते हो आप सामने का व्यू मस्त तरीके से। और बाकी जो हमारा रिजॉर्ट है वो सामने आपको दिख रहा होगा हल्का रेड रेड कलर का, यहाँ पे पहाड़ी पे ये रिजॉर्ट भाई कुछ ऊपर से इस तरीके से हमारा रिजॉर्ट दिखता है। और बाकी सामने का पूरा खुला व्यू देख सकते हो सामने। और चलते भाई हम सीधे, क्योंकि हम गाड़ी का पता किया था हमने गाड़ी वाले को, मतलब बोल रहा था कसौली तक जाने का, और 250 रुपये ले रहा था, तो हमने कहा पैदल ही चलते हैं, क्योंकि पैदल आए तो पैदल ही चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 किलोमीटर पैदल चलना है। तो भाई चलते हैं आप सीधे कसौली रोड पर। और बाकी आपका यहाँ का व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया मस्त तरीके से। तो चलते हैं, खाली रोड पड़ा हुआ है, लोग भी जा रहे हैं देख सकते हो आप, आगे लोग भी जा रहे हैं मतलब बंदे जा रहे हैं। और चलते हैं घूम, चल सॉल्ट ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा घर है, ये घर हमारा है यहाँ पे ताला लग चुका है, अभी हमें घर से बेदखल कर दिया है। बाकी मस्त घर देख सकते हैं, घर का मजाक कर रही हूँ या कुछ वो है, वो डस्टबिन वगैरह है जो कूड़ा वगैरह डालने का ना, अच्छा लगा। पीछे का ना जो येलो कलर के पेड़ वो मस्त आ रहे हैं। आ जाओ तो फाइनली भाई आप देख सकते हो चर्च का गेट खुल चुका है, हम चलते हैं चर्च के अंदर और दिखा था आपको चर्च के अंदर क्या सीन है, और बाकी कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए घूमने के लिए। आप देख सकते हो ये पीछे जो आपको दिख रहा है हिमाचल का सबसे पुराना चर्च है, जो चर्च मतलब हिमाचल के अंदर जो भी चर्च बनाता हूँ सबसे पहले यही चर्च बनाता हूँ। आप देख सकते हो मस्त तरीके से चर्च का सीन, बाकी यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए क्योंकि मेरे हिसाब से अभी खुला है थोड़ी देर पहले। बाकी आप यहाँ का सारा सीन देख सकते हो मस्त तरीके से चर्च का। और बाकी आपको चर्च के आगे दिखा, आगे जाके दिखा दो फ्रंट गेट पे, तो फाइनली भाई हमने फोटो शूट कर दिया थोड़ा बहुत। और बाकी आप देख सकते हैं हिमाचल का सबसे पुराना चर्च ये है जो आपको दिख रहा है, हिमाचल के अंदर जो भी चर्च बना हो सबसे पहले यही चर्च बना था। इसी को दिखाने के लिए मैं उत्तराखंड से हिमाचल के अंदर आ चुका हूँ आपको दिखाने के लिए, देख सकते हो आप इस चर्च को मस्त तरीके से। और बाकी आगे से आपका इसका व्यू दिखाता हूँ आपको, ये बैकग्राउंड का व्यू इस साइड से, वो आगे से कुछ इस प्रकार का व्यू है इसका, ये मस्त तरीके से आप देख सकते हो, ये हिमाचल का सबसे पुराना चर्च है जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे। और बाकी चलते हैं भाई आप सीधे नीचे
माल रोड की साइड और माल रोड तरफ दिखाते हैं आपको। चलते भाई माल रोड पे, माल रोड दिखाते हैं आपको। माल रोड हिमाचल के अंदर माल रोड कहाँ पे है, और आप देख सकते हो मस्त तरीके से चर्च को फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट गेट है इसका, ये देख सकते हो आप मस्त तरीके से इसको। और बाकी उस साइड से इसका बैक, मतलब बैक का ग्राउंड है, बाकी उस साइड इसका बैक है और आप देख सकते हो। और बाकी चलते हैं आप माल रोड की तरफ, और चर्च चोर से हमने पहली वाली वीडियो में आपको दिखा रखा है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आगे चलते हैं माल रोड की साइड। ये मंकी देखो आप, मंकी आ चुका है यहाँ पे, यहाँ पे खींचे मेरे एक हाथ फोटो। तो भाई फाइनली वहाँ पे चर्च था, और यहाँ से चलते हैं सीधे माल रोड की रोड जा रही है, तो आप देख सकते हो ये माल रोड की रोड जा रही है, जो माल रोड आई है। और बाकी आगे जो माल रोड में जो भी हमको दिखाई देगा वो आपको सब कुछ दिखाएंगे। और बाकी ये चर्च से जैसे कट करता है उसी तरह माल रोड की तरफ जाते हैं, माल रोड सामने जा रहा है। बाकी आप माल रोड के अंदर जाके दिखाते हैं कि माल रोड कहाँ है और कैसा माल रोड हिमाचल के अंदर। तो सामने चौक जो आपको दिख रहा है, ये अगर हमने पहले भी आपको दिखाया था, तो चलते हैं उस चौक के पास, और चौक से जो नीचे के लिए रोड कटी वो पूरा माल रोड है, वो जाके आपको दिखाते हैं आगे। तो फाइनली भाई देख सकते हो आप माल रोड पे हम आ चुके हैं, ये माल रोड का रास्ता जा रहा था चौक से, तो आप देख सकते हैं सामने माल रोड। तो आपको माल रोड का गेट दिखाते हैं, सामने माल रोड का गेट है। बाकी इधर से जो भी सीन, बाकी इधर से जो भी चीज़ आपको मतलब हमको दिखेगी वो आपको सब कुछ दिखाएंगे। और फिलहाल चलते हैं माल रोड के अंदर, चौक तो हमने क्रॉस कर दिया है, बाकी ये सामने माल रोड है, आप देख सकते हो माल रोड का सीन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकी है भाई, अगर तुम्हारे हाथ पे कुछ खाने पीने की चीज़ है वो मंकी सब कुछ छिना देगी तुमसे, इसलिए हाथ पे कुछ मत रखना खाने पीने की। बाकी माल रोड की एंट्री हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं हिमाचल के अंदर माल रोड, बाकी माल रोड में आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे लोगों ने मतलब अपनी दुकानों पे सजाई हुई है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से लेके जा सकते हो। बाकी देख सकते हो आप क्रिसमस डे का मतलब इन्होंने सब कुछ सजाया हुआ है। हम उस दिन कौन से रेस्टोरेंट पर गए थे, ये वाले पे, चप्पल चप्पल लेने तरफ अपने लिए है? तो बाकी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस माल रोड के अंदर। बाकी यहाँ पे आपको कपड़े कुपड़े फ्रूट फ्रूट जो भी खाने की चीज़ें हैं सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी मस्त तरीके से। ये सुने पर्स यहाँ से लिया था, ये ऐसे तेरे तेरे तरह पर्स टंगा हुआ वहाँ पे, ऐसे नहीं लिया था आगे से लिया था। हो गया यार बहुत हो गया, आगे क्या करना है, क्या करेंगे आप जाके, जाना है इधर को घूम के, क्या आना आगे कुछ है ही नहीं घूमने के लिए। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो माल रोड हमने क्रॉस कर दिया पूरा, और माल रोड यहीं तक खत्म होता है, आप देख सकते हो ये सामने माल रोड पूरा खत्म हो चुका है। आप चलते हैं वापस और चलते हैं होटल पे कुछ खाते हैं, और उसके बाद निकलते हैं अपने रिजॉर्ट पे। तो फाइनली भाई अपने मोमो आ चुके हैं, हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बाकी मेरे मोमो आ चुके हैं, बेबी का सूप आ रहा है अभी, आप देख सकते हो मस्त तरीके से। और बाकी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मेरा मोमो ये आ चुका है, मेरा मोमो ये चिकन मोमो, बाकी हम रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो मस्त तरीके से रेस्टोरेंट भी। इस पर हम एक बार पहले भी आए थे भाई की दुकान पर, और बाकी मैं मोमो का मज़ा लेता हूँ, और मिलते हैं आपको फिर रिजॉर्ट में, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, और बेबी का जब सूप आएंगे तो आगे आपको दिखाएंगे। मजा आ गया चन्नी का भी, तो मिलते हैं गाइस आपको रिजॉर्ट पे। ये देख सकते हैं गाइस मोमो टेस्टी हो रहे हैं, खतरनाक हैं, फाड़ के दिखाओ, स्टफिंग बहुत मस्त कर रखा अंदर का ना, बस हो गया तो रहने दे। घर पे बोलना है खाली दिखा दे, खा तो सही तभी तो पता लगेगा।
तो भाई फाइनली आप देख सकते हो इसने मोमो मोमो खा दिया और मोमो खा के बाहर निकल चुकी है। चलते हैं आप सीधे होटल पे और देखते हैं अपना रिजॉर्ट का सीन। बाकी आप माल रोड हमने आपको घुमा लिया है, हिमाचल को और मंकी पॉइंट हमने आपको घुमा लिया, आप चलते सीधे होटल की तरफ। तो फाइनली भाई माल रोड और आप मंकी पॉइंट सारा कुछ घूम लिया, हम आ चुके हैं बस अड्डे के पास, आप देख सकते हो सीधे वापस यहाँ पे बस अड्डे के पास आ चुके हैं और पकड़ते हैं हिमाचल का सोलिक बस और चलते सीधे होटल पे। बस आ चुकी है सामने, देख सकते हो आप। दोस्तों आप देख सकते हो रिजॉर्ट पे पहुंच चुका हूं मैं और मंकी पॉइंट भी आपको दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, हिमाचल के अंदर माल रोड भी दिखा दिया, मंकी पॉइंट भी दिखा दिया। आप जाके कभी सोलन में दिखाएंगे आपको, सोलन और सोलन से जो भी दो चार मंदिर पड़ते हैं वहां पे बढ़िया बढ़िया वो भी दिखाएंगे आपको। और आज की वीडियो मेरी कैसे लगी आपको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जाके हमें यूट्यूब पे सपोर्ट करें। नानू राहुल ब्लॉग हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लोगों को पता चल जाए कि हम भी यूट्यूब चलाते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।